ما انت بنعمه ربك بمجنون وان وان لك لاجرا غير ممنون وان وانك لعلى خلق عظيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في اعلى جنة الخلد امين يا رب العالمين हम बा उहद और जो हम महाजरीन मुजाहिदीन थे साहबा कराम महाजरीन और अंसार में से उनके जानसारी के कारनामे हमने पिछली दफ़ा पढ़े थे और हमें ये भी पता चला कि मुसलमान जो हैं वो गिरोहों में बट गए थे तो बेसिकली तीन गरोह बन गए थे तीन ग्रुप्स बन गए थे मुसलमानों के पहला वो था के जो मैदान जंग से भाग निकला था उस पैनिक में मैदान जंग से भाग निकले और कुछ जो है वो किसी घाटी में चले गए मेहरास की घाटी वहाँ पे थी वहाँ पर चले गए और कुछ लोग जो थे जो मदीना पहुँच गए और वहाँ पर आ, आता है किताबों में कि उमन रदीला ने उनके ऊपर मट्टी फेंकी और उनको कहा कि अच्छा फिर तुम लोग ऐसे करो कि तुम लोग यहाँ पे चरखा का तो और मैं जाती हूँ और हम ख़वातीन जा कर लड़ती हैं कुफ़ार के साथ और इनके बारे में अल्लाह अल्लाबहान ने सूरत सूरा आल इमरान की आयत नंबर फिफ्टी फ़ाइव नाजिल फ़रमाई कि वो जो उस दिन मुँह फेर गए थे जिस दिन दो लश्करों का आमना सामना हुआ था और शैतान ने उनके दिलों में ये एक चीज़ डाली थी लेकिन अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर दिया और अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है तो अल्लाह सुबहान ताली ने इन भागने वालों को माफ़ फरमा दिया था क्योंकि बाद में फिर ये दोबारा री हो गए थे दूसरा ग्रुप वो था सहबा कराम का कि जो नबी सल्लिया वसल्लम के पास से नहीं हटे और आपके साथ ही रहे और या शहादत पाई और या फिर जख्मी भी हुए और ज़िंदा रहे और तीसरा ग्रुप वो था कि जो बिल्कुल पैनिक हो गया था कंफ्यूज हो गया था लेकिन उनको वो भागे नहीं है लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करें जब उन्होंने नबी सल्ह वसलम की शहादत की खबर सुन ली थी तो ये वो थे कि जिन्होंने जहन में सोचा कि हम अब्दुल्ला बिन उबई के पास चले जाते हैं और उसको कहते हैं कि सुफियान से हमें कोई अमनसिटी ले दो या हमें कोई पनाह ले दो वो हमें अब छोड़ दे हमें कुछ ना कहे तो इनको मुनाफिकीन ने कहा था कि तुम लोग अगर हमारे साथ होते तो तुम लोग ना मरते और ना तुम लोग का यह हशर होता तो और हमारी तो कोई से ही नहीं है किसी मैटर में तो ये वो लोग थे और इन लोगों को भी बाज जो साहबा कराम हैं उन्होंने हिम्मत बंधाई थी जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि अनस बिन नदर जो थे वह अनस बिन मालिक रदी के चचा वो इसी तरह के कुछ लोगों के ग्रो गुरु, ग्रुप के पास से गुजरे और वो बैठे हुए थे कि रसोल्ला सल्ह वसलम तो शहीद हो गए हैं तो उन्होंने कहा था कि अच्छा अगर वो शहीद हो गए हैं तो तुम लोग फिर जिंदा रहकर क्या करोगे तो ये तीन तरह के लोग थे और ये सब के सब जो हैं ये बाद में दोबारा री असम्बल हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और मकदार रदी अल्लाह तन फरमाते हैं कि कसम है उसकी जिसने नबी सल्ह् वसम को हक़ देकर भेजा था रसोल्ला सल्हम अपनी जगह से एक कदम भी नहीं हिले और जहाँ पे वो दुश्मन का सामना कर रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगातार तीर भी बरसाते रहे तीर ख़त्म हुए तो आपने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए और आप कुफार के मुशरकिन के सबसे ज्यादा करीब खड़े हुए थे और मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरद बिल्कुल भी मौजूद नहीं थे एक वक्त ऐसा आया था कि जब सिर्फ तलहा बिन अबैदुल्लह और सात बिन नबी वक् आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रह गए थे और दूर से आप पुकार भी रहे थे मुसलमानों को कि मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हूँ और इधर मेरी तरफ आओ और आपको ये पता भी था कि इतनी ऊंची आवाज़ से कुफार को आपकी जगह का कि आप किस जगह पे हैं बहुत अच्छी तरह से पता चल जाएगा इसके बावजूद आपकी जुर्रत शुजात जो है आपके बारे में साहबा फरमाते थे ना कि अशन्नाज थे आप वसल्लम तमाम लोगों से ज़्यादा आप बहादुर थे तो इतनी नाजुक सिचुएशन में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आवाज़ बुलंद की अपनी रिवील की अपनी जगह और मुसलमानों को दोबारा से इकट्ठा किया और चार लोग थे ये हम पीछे पढ़ आए हैं मैं सिर्फ थोड़ा सा रीकैप कर रही हूँ चार लोग थे कि जिन्होंने उस दिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को नाउज़ुबिल्ला कत्ल करने की कसम खा रखी थी और ये थे अब्दुल्ला बिन शहाब जुहरी उबै बिन खलफ़ इबन क़मिया अलसी और उतबा नबी वक्स उतबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंके थे जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दाया इंसाइजर है नीचे वाला वो टूटा आधा टूटा शहीद हुआ आपका चेहरा मुबारक ज़ख्मी हुआ और आपका नीचे वाला होट भी कट गया वह भी ज़ख़ी हुआ और आपके सर पर जो हेलमेट थी जो आपने पहन रखी थी ज़रा वो भी टूट गई अब्दुल्ला बिन शहाब जो है ये आगे बढ़ा और उसने आ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर आ, आ, वार किया और आपके माथे पर काटाया इबन क़मिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तलवार से आपके कंधे मुबारक पर वार किया और इस वार का की जो तकलीफ़ और ज़म्म है ये तकरीबन महीने से ज़्यादा ये बाकी रहा था और इब्ने कमिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक और भी वार किया जो कि आपकी गाल पर था और उसने कहा कि ये चखें इसका मज़ा मैं इब्ने कमिया हूँ और आपकी अपनी ही जो ज़रा आपने पहनी हुई थी उसके जो हलके थे उनमें से दो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाल मुबारक के अंदर फंस गए थे और जिनको के अबू वबैदा बिन जर्रा और अन्हु ने अपने दांतों से निकाला और आपको याद होगा कि वो फिर उनके सामने के दो दांत जो हैं वो भी टूट गए थे जो बहादुरियाँ थीं सबकी उनमें तलहा बिन उबैदुल्ला के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फ़रमाया था कि किसी ने अगर किसी ज़िंदा शहीद को देखना है तो वो तलहा को देख ले तलह इज़ अफदोज हुआ डेड यानी इतने ज़ख़म थे और हैरत होती थी कि ये इंसान ज़िंदा कैसे है अभी तक तो ये बेसिकली थोड़ा सा रिकेप था उस आ, सारे मैदान जंग का कि जो ख़ास तौर पर महाजरीन और अनसार के कारनामों पर मबनी था और फिर तिर अंदाजों का आपको पता है कि उन्होंने जगह छोड़ी और उनके जगह छोड़ने की वजह से सारी जो फ़तह है वो शिकस्त में तब्दील हुई ख़ालिद बिन वलीद रदीलान हो लगातार अपनी नज़र रखे हुए थे उस दर्रे के ऊपर कि जूँ ही वहाँ से कोई मुझे लूप होल मिले तो मैं इधर से अटैक करूँ और वही हुआ और मुसलमान जो हैं वो उसके बाद शिकस्त आ, का सामना करना पड़ा मुसलमानों को अब जब मुसलमानों को ये पता चला खैरियत से हैं तो फिर उस वक्त दोबारा मुनजम होने लगे और रसोल स गिरदमा होने लगे जब रसूल सल वसलम के पास एक मुसलमानों की जमात इकट्ठी हो गई तो आप सल्लाम ने मुजाहिदीन को दोबारा घिराओ के खतरे और मज़ीद नुकसान से बचाने के लिए उहद के महफूज मकामा की तरफ ले जाने का इरादा फरमाया और यही वजह है कि कोई बहुत काबिल जिक्र नुकसान मुसलमानों का नहीं हुआ जब उहद के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये आ गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वो घाटी सी थी कि जिसके अंदर मुसलमानों को लेकर महफूज हो गए जब मशरिकीन को जो इबन कमिया ने जाकर ये खबर दी थी ना कि उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्ला कत्ल कर दिया है तो उसमें मशरक जो हैं वो भी रिलैक्स कर गए कि मुसलमानों को अब शिकस्त हो गई है ये अब खड़े नहीं हो सकते इनमें से कुछ आराम करने लगे और कुछ जो हैं उन्होंने मकतूलिन का शहदा की आ, लाशों का मसला शुरू कर दिया और ये मसला जो है ये अरब्स जो हैं जो नोबल ट्राइब्स थे वो बिल्कुल नहीं किया करते थे और अबू सुफियान दूर से खड़ा देख भी रहा था लेकिन अब इस वक्त उसके बस में नहीं था एक तो वो हिंद और इस तरह के कुछ लोग जो हैं जो बहुत व्यंजन से भरे हुए थे उन्होंने जब यह काम शुरू किया तो अबू सुफियान ने उनको रोका भी नहीं कहा जाता है कि रोक सकता भी नहीं था वो उस वक्त तो इसलिए वो रोक नहीं सके और बाद में फिर एक किसी और कबीले के सरदार ने भूसुफियन को इसकी आर दिलाई थी इस बात की कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो ये तो हमारा शेवा नहीं है तो फिर उसने कहा कि अच्छा ये तुम अब किसी को बताना मत मुझसे गलती होगी क्योंकि वो ख़ुद भी कुछ हमजा रदीलानों की नाशा मुबारक को पोक कर रहा था इस तरह की जो है सीरत की किताबों में इनकी बातें आती हैं कि जिनकी ग्रूसम डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं है बहरहाल ये काम इन्होंने किया जो कि ये अमूमन ये लोग नहीं किया करते थे फिर उसके बाद इनके लोग जो हैं मसलन उस्मान बिन अब्दुल्ला एक हमला आवर था वो कत्ल हुआ और उसको हारिस बिन समा रतिया ने कत्ल किया था फिर इसी तरह से उबई बिन खलफ जो है वो वाहिद है कि जो नबी मुबारक से कत्ल हुआ उसने हिजरत से पहले अलैहि वसल्लम से कहा था कि मेरे पास एक अलाउज नामी घोड़ा है उसे मैं रोजाना एक फर्क यानी तकरीबन साढ़े सात किलो मकई खिलाता हूँ यानी उसे ताकतवर करता हूँ ताकि मैं उस पर सवार होकर तुम्हें कत्ल कर सकूँ तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाबन फरमाया करते थे बल अन अल्लाह बल्कि मैं कत्ल करूंगा तुम्हे अल्लाह और जब उबई बिन खलफ आया मैदान उहद में तो ये बड़ा कॉन्फिडेंट होकर उसी अलाउज नामी घोड़े पर ही दंदनाता हुआ आया और कहने लगा कि ए मोहम्मद अगर आज तुम निजात पा गया तो फिर मैं नाकाम ना मुराद हो गया तो ये सुनकर मुजाहिदीन ने अलैहि वसल्लम से इजाजत चाही कि हम में से कोई आदमी पीछे मुड़कर इसका मुकाबला ना करे इस बदब्त का तो आपने फरमाया नहीं इसे छोड़ो इसे मोहलत दो और जब वो करीब आ हाँ पहुंचा यही नारे लगाता हुआ तो हारिस बिन सम्मा ने नेजा लिया और उसके सामने खड़े हो गए उबई बिन खलफ के और वो सर से पाओ तक लोहे का आर्मर उसने पहना हुआ था और सिर्फ हलक के पास जहां पे जरा थोड़ा क्योंकि वरना तो फिर इंसान गर्दन ही ना हिला सके ना तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप होता है तो वो जो है वहां पे थोड़ी सी खुली जगह गले की जो है वो दिखाई दे रही थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी खाली जगह का निशाना बांधा और उसी जगह पर नेजा मारा नेजा लगते ही उसको एक खराश लगी और वो कोई ऐसी कोई जख्म कोई डीप ऐसा जख्म नहीं था लेकिन वो बदहवास हो गया और अपने घोड़े पर ही दाएं बाएं लुढ़कने लगा फिर वो वहां से भागा और जाके कहने लगा कतल अनी वही मोहम्मद मोहम्मद ने अल्लाह की कसम मुझे कतल कर डाला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उन्होंने कहा कि इतना कुछ नहीं है तुम्हें कोई बड़ा ज़ख्म नहीं आया तुम ज्यादा घबरा रहे हो तो कहने लगा नहीं मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मक्का में कहा था कि मैं तुम्हें कत्ल करूंगा और अगर वो मुझ पर थूक भी देते तो मेरी जान निकल जाती और चीखता रहता था सारे मैदान उहद में उसने एक शोर मचाया हुआ था उस वक्त और कहने लगा मुझे वो अजियत पहुंच रही है वो अगर वो वजुल मजाज के सारे बाशिंदों में तकसीम कर दी जाए तो वो सब मर जाए और बिल आखिर जब ये कुरैशी लश्कर वापस जा रहा था तो मक्का से तकरीबन छः मील के फासले पर सरिफ के मकाम तक पहुंचा तो ये चिल्लाते चिल्लाते वहीं मर गया अल्लाह आलम के ये कोई उस, उस ज़ख्म का जहर था कहते हैं ज़ख्म तो इतना था ही नहीं और सब कहते थे कि ये तो खराश है कुछ नहीं है ऐसे कुछ नहीं होगा और क्या वो खौफ से मर गया अल्लाह ताला ने क्या उसका उसको हार्ट अटैक हुआ या जो भी उसको हुआ लेकिन नबी सल्ला अलैहि वसल्लम का जो फ़रमान था कि मैं तुझे कत्ल करूंगा, वो पूरा हुआ फिर मुश्रक जो हैं ये जब नबी अलैहि वसल्लम पहाड़ की घाटी में पहुंच गए और बिल्कुल ऐसे था कि जैसे मुसलमान जो है ना उहद के अंदर किला बंद हो गए हैं तो दूसरी तरफ अबू सुफियान जो है और ख़ालिद बिन वलीद ये लोग एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गए और वहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त ये दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा इन्नहु ला यंबगी लहुम अन यालूना कि ए अल्लाह ये ऊपर हम तक ना चढ़ने पाए तो इस मौके पर सही उमर बिन खत्ताब रदीलान्हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ और महाजरीन साहबा ने उनका अबू सुफियान और खालिद बिन वलीद का जबरदस्त मुकाबला किया और ये लोग पीछे रिट्रीट कर गए ये ना पहुंच पाए मुसलमानों तक और फिर उसके बाद बकायदा एक पहाड़ की घाटी में ना जैसे कंट्रोल रूम बन जाता है ना वो उस तरह बन गया उहद की जो पहाड़ियां हैं पहाड़ी सिलसिला है ना उहद तो उसकी पहाड़ियों में से एक बुलंद तरीन पहाड़ी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंच गए और ओहद के ऊंचे पहाड़ का जो दहाना था उसको हेडकोटर बनाया और पहाड़ी दर्रे को बहुत सी आ, वो जो जिस पहाड़ी दर्रे पर अब थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बहुत सी पहाड़ियों ने घेर रखा था तो ये एक मजबूत जैसे मैंने पहले भी कहा ना तो एक किला बन गया और यानी एक पहाड़ी पर और इर्द गिर्द और पहाड़ियाँ तो मुसलमान जो हैं वो प्रोटेक्ट हो गए बिल्कुल वहां पे महफूज हो गए और मश्रकिन जो एक हमला करना चाहते थे अबू सुफियान और खालिद बिन वलीद और इन दोनों ने बाद में इस्लाम कबूल किया है तो ये दोनों उस वक्त बिल्कुल नाकाम हो गए और उस वक्त अल्लाह ताला ने साबित कदम रहने वालों पर सकीनत नाजिल की जिसका के जिक्र अल्लाह सुबहान वाली ने शरा आल इमरान की आयत नंबर 154 में किया है कि अल्लाह ताला ने तुम पर गम के बाद एक अमन ऊँग की शक्ल में नाजिल कर दी और तुम तुम में से एक गिरोह पर और एक गिरोह तुम में से जो था वो अल्लाह ताला के बारे में बुरे गुमान कर रहा था जाहिलियत के गुमान तो अबू तलहा रदीला तैन बयान करते हैं कि मैं उन लोगों में से था जिन पर ओहद के रोज़ ऊंग छा गई थी और ये अल्लाह ताला के एक तरीक़ा होता है अहले ईमान को सेडेट करने का और पेसिफाई करने का और वो जो गम आया होता है उसको कम करने का कि इंसान के ऊपर एक ऊँग तारी हो जाती है इंसान उंगलाया रहता है तो वो फरमाते हैं यहाँ तक कि मेरी तलवार रह रह कर मेरे हाथों से गिर जाती थी और मैं उसे बार बार थामता था और इमाम इसहाक़ बिन राह सयदना ज़ुबैर बिन नवाम से बयान करते हैं और ये इसहाक़ बिन राह जो हैं ये इमाम बुखारी के उस्ताद हैं और इन्हीं की ख्वाहिश पर के कोई हो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही तरीन अदीस को कंपाइल कर दे ताकि सही और हदीस की दुरुस्त छांटी हो जाए तो इन्हीं की इस ख्वाहिश से इंस्पायर होकर इमाम बुखारी ने शुरू की थी सही बुखारी लिखनी तो ये जुबैर बिन अवामो से रिवायत करते हैं कि अल्लाह की कसम ऊँग ने मुझ पर गलबा पा लिया और एक और रिवायत में है कि जब हम उहद के रोज रसोल्ला सल वसलम के साथ थे और हमें खौफ ने घेरे में ले रखा था तो अल्लाह की कसम मैं इसी आलम गनूदगी में मुआतब बिन कु का ये जुमला सुन रहा था के लऊकानल उन शयन कुतिल ना हा होना यानी एक मुनाफिक कह रहा था कि अगर हमारी कोई बात सुन लेता तो यहाँ हम सब मारे न जाते तो कहते हैं कि मैंने ये बात याद रखी यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमा दी कि वो कहते हैं कि अगर इस मामले में हमारा कुछ भी इख्तियार होता तो हम यहाँ न मारे जाते फिर सही से साबित है कि उहद में अल्लाह ताला ने ज़िब्राइल और अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि रसोल्ला सल वसल्लम का दिफा करने के लिए वो खुद जंग करें दोनों नबी सल वसल्लम की हिफाजत की जिम्मेदारी जो है वो इन दोनों को सौंपी गई थी मुकर्रब तरीन फरिश्तों को सात बिन अभी वकास रदीलानों से मरवी हदीस में है कि मैंने रसोल सल्ह वसल्लम को उहद के दिन देखा कि दो आदमी आप की तरफ से ज़बरदस्त दिफाई जंग कर रहे थे वो सफ़ेद कपड़ों में मलबूस थे उन दोनों को मैंने कभी पहले देखा न बाद में और ये वो फरिश्ते ही थे और इमाम बहकी जो हैं उन्होंने इमाम मुजाहिद का एक कॉल नकल किया है कि फरिश्तों ने बदर के दिन के अलावा लड़ाई नहीं की तो इसका मतलब यह है कि जब कौम ने अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की और आपके हुक्म के मुताबिक सब्र नहीं किया तो फिर फरिश्तों ने भी लड़ाई नहीं की गो के फरिश्ते मौजूद थे नबी अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए फिर जंग का खात्मा हुआ दोनों साइडों से ही नुकसान तो हुआ और अबू सुफियान आखिरी फैसला कुन हमले में नाकाम भी हो गया और फिर उसके बाद इन इसके जो लोग हैं उन्होंने लाशों का मसला शुरू किया सैदुलश हमज़ा रदीला तलाों के जो जिसम है वो सबसे ज़्यादा इनकी शैतनत का शिकार हुआ और क्योंकि बदर के दिन इन्होंने इन लोगों का बहुत नुकसान किया था और अली रदीलानों के साथ मिलकर हमज़ा रदीला ने उतबा बिन रबिया शैबा बिन रबिया और हिंद बिन थे उतबा के भाई वलीद बिन उतबा को जहन्नुम रसीद किया था यानी हिंद का बाप चचा और भाई और बेटा भी बदर के दिन हलाक हुआ था एक तो हिंद जो है वो बहुत सख्त जहर से भरी हुई थी और उसने फिर सबसे ज़्यादा जो ग्रूसम मसला है वो किया था हमजारदीनों की लाश मुबारक का फिर उसके बाद जो सारा मक्की लश्कर है अब इनको अभी तक यह नहीं पता कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नाउजुबिल्ला कत्ल होने की खबर जो इबन कमिया ने दी है वो सही सही है या नहीं है तो अब इन्होंने जब देखा कि मुसलमान जो हैं ये सारे ओहद के एक पहाड़ की तरफ रुख करते चले जा रहे हैं और इकट्ठे हो रहे हैं और नहायत दलेरी से लड़ रहे हैं तो अबू सुफियान को ये यकीन नहीं था कि अबू इबन कमिया ठीक कह रहे है उसको इस बात का शक पड़ रहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकता है कि अभी जिंदा ही हों क्योंकि ये लोग जो इकट्ठे हो रहे हैं एक जगह पर तो उसने चिल्ला चिल्ला के पूछना शुरू कर दिया अपनी साइड से अफिल कौमी मोहम्मद क्या तुम लोगों में मोहम्मद जिंदा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी जवाब देने की मुमानियत फरमा दी फिर उसने कहा अफिल कौमी इब्न उबी कुहाफा क्या तुम लोगों में इबन अबी खाफा यानी अब बकर सिद्दीक हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बोलने से मना फरमा दिया फिर उसने कहा अफिल कौमी इब्न अल कौमीब क्या तुम लोगों में इबन खब हैं जिंदा उसने ये भी तीन दफा पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को जवाब देने की इजाजत नहीं दी अब वो बड़ा खुश हुआ और कहने लगा अम्मा हा उलाई फकत हाउला जहां तक इनका मामला है ये तो कत्ल कर दिए गए हैं होते तो जाहिर है कि कोई बोलता जुमला सुनकर उमर रदीला ना रह सके और उन्होंने कहा अल्लाह के दुश्मन अल्लाह की कसम तूने जो कुछ कहा है बिल्कुल गलत कहा है, जो नाम है वो अल्लाह के फजल से सारे जिंदा सलामत हैं और अल्लाह तेरे रन गम का सामान बरकरार रखा हुआ है इसका जवाब फिर अब सुफियान ने दिया ओलू हुबल ओलू हबल यानी हुबल तू बुलंद होबल तेरा बोल बला हो तो रसुल्ला ने उस वक्त उमर रदीला से कहा कि तुम इसको जवाब नहीं दोगे

तो आप वसल्लम ने फरमाया तुम लोग कहो अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम अल्लाह हमारा आका और मौला है और हमारा मददगार है और तुम्हारा कोई मौला नहीं फिर अबू सुफियान कहने लगा कि यह दिन बदर के दिन का जवाब है अब हम तुम बराबर हो गए हैं और लड़ाई तो डोल होती है और ये कभी एक मरकज में नहीं रहती कभी इधर कभी उधर कभी ऊपर कभी नीचे और फिर उसने कहा कि तुम्हारे कुछ आदमियों का मसला किया गया है मैंने मुसले का हुक्म तो नहीं दिया था लेकिन मुझे बुरा भी नहीं लगा सही बुखारी में आता है कि आ, सही बुखारी में तो अबू सुफियान की बस ये बात है आगे से मुसलमानों के किसी जवाब का जिक्र नहीं है लेकिन सीरत की किताबों में सही उमर उानो ने अबू सुफियान को जवाब दिया कि हम और तुम हरगिज बराबर नहीं हैं हमारे मकतूल जन्नत में हैं और तुम्हारे मकतूल जहन्नुम में हैं तो अबू सुफियान कहने लगा उमर जरा इधर तो आओ मेरे करीब आओ तो रसूल्लाम ने फरमाया कि हाँ उमर जाओ देखो तो ये कहता क्या है तो उमरद उसके पास गए अबू सुफियान ने कहा कि उमर सच सच बताओ अल्लाह की कसम मोहम्मद को हमने कत्ल कर दिया है तो उमर रदू ने फरमाया कि अल्लाह की कसम हरगेज नहीं बिलाशुबा वो तो इस वक्त भी तेरी बातें सुन रहे है तो अबू सुफियान बोला तुम मेरे नजदीक इबन खमिया से ज्यादा सच्चे और नेको यानी मैं तुम्हारी बात का यकीन करूंगा कि मोहम्मद वसलम जिंदा है फिर कहने लगा दोबारा से मसले की बात कुछ ना कुछ अंदर गिल्ट तो था ना फिर कहने लगा हमारे आदमियों के हाथों से तुम्हारे मकतुल का मसला हुआ है अल्लाह की कसम मुझे ये फेल ना तो अच्छा लगा है और ना ही बुरा मैंने मना किया है ना ही मैंने हुक्म दिया और फिर चलते चलते कहने लगा कि अगले साल बदर में तुमसे फिर लड़ाई का वादा रहा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इससे कह दो कि हाँ ये हमारा तुम्हारा वादा है इंशाल्लाह और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगले साल ये इतना डरे और इन्होंने फिर एक फैलाने की कोशिश की अफवाह और मुसलमानों को डराने की कि, कि काफिर तो बहुत ज़्यादा हम उसके साथ जमीयत के साथ फिर से आ रहे हैं हालांकि ये आना चाह ही नहीं रहे थे और ये फिर बदर में नहीं आए थे नेक्स्ट ईयर अब अबू सुफियान जो है उसने अपने लश्कर को वापस मक्का कूच का हुक्म दिया और नबी अलैहि वसल्लम को ये एक अंदेशा लाक था कि कहीं ऐसा ना हो कि अबू सुफियान जो है जब ये देखे कि मदीना तो या मुनाफिकीन है उसमें या औरतें और बच्चे हैं मुसलमान अभी उहद में हैं और शदीद जख्मी हैं और अपने शहदा की पर गमजदा भी हैं तो कहीं ये मदीना का रुख ना कर दे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रदीलान्हों को भेजा कि जरा इनकी निगरानी करो और देखो अगर ये ऊंटों पर सवार हुए और घोड़ो को साथ चला कर ले गए तो इसका मतलब है कि मक्का जा रहे है और अगर ये घोड़ों पे सवार हुए तो इसका मतलब है कि ये मदीना आ रहे हैं तो बहरहाल इन्होंने ये घोड़ों पर सवार हुए एक कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि मदीना खाली है चलते हैं और उसको प्लंडर करते हैं लूटते हैं तो सफवान बिन बिनुमैया ने कहा कि नहीं अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है कहीं ऐसा ना हो कि ये फतेह शिकस्त में तब्दील हो जाए जो हो चुका सो हो चुका बस इसी को गनीमत समझो और सीधे मक्का वापस चलो और ये और ये सब जो है ये वापस मक्का चल पड़े रसोल सल वसम का जो रुबाई दांत निचला टूट गया था और होंठ भी फट गया था घुटने भी जख्मी हो गए थे माथे से भी खून बह रहा था तो हज़रत अली रदील तनों ने जो ज़ख्म है उनको धोने के लिए आप पानी लाए और वो धोते थे लेकिन ख़ून रुकता नहीं था तो फिर फातिमा रदील्लाह ने एक वो चटाई सी वो जला के उसकी राख जब आपके फोरहेड के अंदर वो डाली तो फिर वो जख्म जो है वो रुका सईदना सहल फरमाते हैं कि मुझे मालूम है कि का जख्म किसने धोया पानी किसने बहाया और इलाज किस चीज से किया गया आपकी लगते जिगर सईदा फातिमा रदिया आपका जख्म धो रही थी सईदना अली ढाल से पानी डालते जाते थे फातिमा रदिया ने देखा कि पानी बहाने के बावजूद खून बहता ही जा रहा है तो उन्होंने चटाई का एक टुकड़ा लिया उसे जलाया और उसकी राख जख्मों पर चिपका दी इस तरह खून रुक गया जख्मों की शदीद अजियत की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहर की नमाज बैठे बैठे ही पढ़ी सहाबा कर राम ने भी आप वसल्लम के पीछे बैठ कर नमाज अदा की फिर आपने मुसलमानों को शहदा की खबरगिरी के लिए भेजा तमाम लाशों का मसला हुआ हुआ था सिवाए हंजला रदीलान्हो के जो कसीले मलाइका थे और इनके बारे में ये कहा जाता है कि अबू आमिर राहब के क्योंकि ये बेटे थे जिसको के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू आमिर फासिक कहा और तो ये उसने कहा था कि मेरे बेटे की लाश का मत करना अल्लाह आलिन फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि कोई सात बिन रबी की खबर लेकर आए क्या वो जिंदा हैं या शहीद हो चुके हैं और मैंने देखा था कि उन्हें बैक वक्त बारह नेज़े घूम पे जा रहे हैं और ये सात बिन रबी वही हैं कि जिनकी जो बेटियां छोड़ गए थे सिर्फ और जिनकी बीवी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और जिसके बाद के फिर इनहेरिटेंस के लॉज अल्लाह ताला ने कुरान में सूरत उन में नाजिल फ़रमाए सो जैद बिन साबित फ़रमाते हैं कि मैं खोज लगाते लगाते सात बिन रबी के पास पहुँचा तो मैंने देखा कि अभी वो ज़िंदा थे और उनके जिसम पर तीरों और तलवारों के ज़ख्म ही ज़खम थे तो साद बिन रबी ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम हो और तुम पर भी सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में मेरा ये पैगाम पहुंचा देना कि ए अल्लाह के रसूल मैं इस वक्त जन्नत की खुशबू सूंघ रहा हूँ और मेरी कौम अंसार से कहना कि अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई अदनासी तकलीफ भी पहुँची और तुम में से एक आँख भी देखने वाली मौजूद हुई तो खूब जान लो कि अल्लाह के हाँ तुम्हारा कोई उज़र कबूल नहीं होगा और अभी यही अल्फाज उन्होंने कहे थे कि सात बिन रबी की रूपरवास कर गई और मख्त किताबों में ज़रा थोड़े से लफ्जी फ़र्क के साथ उनकी ये रिवायात मौजूद हैं तो नबी अलैहि वसल्लम तक जब ये बात पहुँची तो आपने फ़रमायाल् नसाही वल रसूल ही हयम व मैतन अल्लाह इस पर रहमत करे अल्लाह इस पर अपना रहम करे वो ज़िंदगी में भी और मरते वक्त भी अल्लाह और उसके रसूल के खैर खा और वफ़ादार ही रहे फिर सैदुलशहदा हमज़ा बिन अब्दुलमिब रदीलान्हों की लाश की तलाश शुरू हुई और आप सल्ह वसलम दरियाफ्त फ़रमाते थे माफ अम्मी माफ अला अम्मी मेरे चचा ने क्या किया मेरे चचा का कारनामा बताओ और एक शख्स ने अर्ज़ की कि मैंने उन्हें चटानों के पास देखा था जब वो कह रहे थे मैं अल्लाह का शेर हूँ मैं उसके रसूल का शेर हूँ अना असदाला व असदरसूल ही और अल्लाह मैं इन कुफार यानी अबू सुफियन और उसके साथियों की कारस्तानियों से बरात का इजहार करता हूँ तो आ, हारिस बिन समा रदीलान्हो सयदना हमज़ा रदीलानो की तलाश में निकले उन्हें ढूंढते रहे फिर हजरत अली तशरीफ़ ले गए उन्होंने ढूंढा और बहुत जब तलाश किया तो फिर आपको उनका खून में नहाया हुआ वजूद बेजान नज़र आया और मसला भी हुआ हुआ था उन्होंने आके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए अपने चचा की मैयत पर नज़र डाली और इतना भयानक मंजर तो कभी देखा ही नहीं था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर रोए कि आपकी हिचकी बंद गई फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि रहमतुल्लाहि अलैक फ कुंत मा अलमतुका इल्ला फआला खैराति वसूला लिर कि ए मेरे शफीक चचा आप पर अल्लाह की रहमतें हूँ मैं तो यही जानता हूँ कि आप बहुत भलाइयाँ करने वाले और खूब सिलाई रहमी करने वाले थे सिलाई रहमी जो है वो इतनी बड़ी चीज़ है कि सैयद सैदना हमज़ा रदी लानों की जो एक गवाही है उनकी शहादत के बाद वो आप सल्ला वसलम ने जब दी तो सिलाी का जिक्र किया फिर आपने जब यह मसला देखा तो आपने पहला जो एक रिएक्शन था आपका तो आपने फरमाया कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे मुशरकिन पर गलबा दिया तो मैं अपने चचा के बदले इनके सत्तर आदमियों का मसला करूँगा फिर फरमाया खुश हो जाओ कि मेरे पास जबरील आए थे और उन्होंने मुझे ख़बर दी कि बिलाशुबा हमज़ा का सातों आसमानों में नाम नामी ये लिख दिया गया है कि अल्लाह और उसके रसूल का शेर हमज़ा बिन अब्दुलमत हमज़ा तुबन अब्दुलमतलबी असदुल्ला व असद रसूल ही और फिर इसी मौके के लिए अल्लाह ताला ने यह आयत भी नाजिल फ़रमाई कि अगर तुम बदला लो तो उतना ही बदला लो जितनी तुम्हें तकलीफ़ दी गई है और अगर तुम सब्र करो तो वो सब्र करने वालों के लिए बहुत बेहतर है और इस आयत के नाजिल होने के बाद आप नेबर किया और मश्रकिन की किसी लाश का मसला ना किया और अपने उम्मतियों को हमेशा के लिए मसले की ममानियत फरमा दी और जो कसम खाई थी उसका कफ़ारा दे दिया अल्लाह और जाबिरदीलानों से रवायत है कि रसोल्ला सल्ला वसलम ने जब हमज़ा रदीलानों का हालत इजार देखा तो रो पड़े इस कदर रोए की हिचकी बन गई और फरमाया क्यामत के दिन अल्लाह के नज़दीक तमाम शहीदों के सरदार हमज़ा होंगे सैदहदा और यह भी कहा जाता है कि नबी सल्ह वसलम को हमजा नाम से मोहब्बत थी किसी ने पूछा था कि मैं अपने बच्चे का क्या नाम रखूँ तो आपने फरमाया था कि इसका नाम हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब के नाम पर रखो क्योंकि उनका नाम मुझे सब नामों से ज़्यादा प्यारा है सफ़िया रदीला तह जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भूपी थीं हमज़ा रदीलान्हहों की वो बहन थीं उनको जब शहादत की अपने भाई की खबर मिली तो वो नाश देखने के लिए मैदान जंग में आईं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बेटे ज़ुबैर बिन अवाम रदीलान्हों से कहा कि जाओ और अपनी माँ को वापस ले जाओ अपने भाई को देखे नहीं तो आ, वो गए और अपनी माँ को रोकने की कोशिश की तो वो उन्होंने सीने पे ऐसे मार के अपने बेटे को परे हटाया और कहा कि मेरे सामने से हट जाओ मैं उनको देखूंगी और मैं सब्र भी कर लूँगी तो सईद ना जुबैर ने आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि खली सभी लहा, छोड़ दो उसका रास्ता जाने दो देखने दो फिर वो गई और वो दो चादरें लेकर आई थी साथ उनके कफन के लिए सफेद चादरें और उन्होंने उनको उन्हों देखा उन्होंने इन्ना अन्ल व्ल रून पढ़ा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ कि कहीं इनको ये शौक़ में न चली जाएं जैसे इंसान सदमे से अपने हवास खो बैठता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सीने पर हाथ रखा तो सैद सफ़िया रो पड़ी और इस तरह उनके गम का बोझ हल्का हो गया यहाँ पर मैं एक बात की याद दहानी आपको करवा दूँ कि किसी की डेथ पर रोना इज़ एब्सोल्युटली नेचुरल और बल्कि रोना चाहिए ना रोना अननेचुरल है और हम सबर के मानी को जब ये समझते हैं कि रोना इसके मुखालिफ है तो ऐसी बात नहीं है आप देखें कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हिचकियों से रोते रहे हैं हमजार दयालानों की नाशे मुबारक को देखकर तो लिहाजा अपने आप को बिल्कुल इंसान ही समझें और इंसान ही रहने दें तो हमारे ही अपने हक हाँ में बेहतर होगा और फिर जो सफ़िया रदीलाना दो सफ़ेद चादरें लाई थी साथ तो उनके कफन के लिए कि उनको कफ़ना दिया जाए उसमें तो आ, सहाबा कहते हैं कि हम वो दोनों चादरें ले गए ताकि हमजा को कफ़ना दिया जाए तो फिर हमारी नज़र सईदना हमजा रदीलानो के पहलू में गई तो हमने देखा कि एक अंसारी भी शहीद हुए पड़े हैं और मश्रकिन ने उनके साथ भी सईदना हमज़ा जैसा ही सलूक किया है तो हमें बड़ी शर्म आई। शर्म आई कि हम अंसारी की लाश तो बेकफ़न रहने दें और हमज़ा रदीलानो को दो चादरों से कफना दें चुनाचे हमने एक चादर हमज़ा के लिए और एक चादर अंसारी के लिए महसूस कर दी रदील और यहाँ पर फ़कहा ने एक बात कही है इधर से एक डिराइव किया है कि अब सफ़िया रदीला वो दोनों चादरें जो लाई थी अपने भाई के लिए लाई थी लेकिन जिनको दे दिया और उनको उन्होंने देखा कि ज़रूरत जो है वो एक से हमज़ा की पूरी हो रही है और एक जो है वो दूसरे को दे दिया जाए तो इससे उन्होंने ये डिराइव किया कि बाज़ात अगर आपको कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फ़ंड्स देता है या पैसे देता है या वो आपको ये कहता है कि इसको फ़लह जगह पर लगा दें और तोहतुलमकान आप उसी जगह पर लगाएं लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो जगह उस जगह की तो वो सफाइस कर गई है लेकिन अब अगर आप कहीं और लगा लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा या वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है तो आप फिर उस जगह का उस पैसे का इस्तेमाल कहीं और भी कर सकते हैं

और अल्लाह ताला ये कहे कि ए मेरे बंदे तूने सच कहा तो साद कहते हैं कि एन इसी तरह उनके साथ हुआ उनकी दुआ मेरी दुआ से कहीं बेहतर थी मैंने शाम को देखा कि उनके नाक और कान कटे हुए थे और सईद बिन बसैबर फरमाते थे कि मैं उम्मीद रखता हूं कि जिस तरह अल्लाह ताला ने शहादत की उनकी दुआ उसी तरह कबूल फ़रमाई जैसा उन्होंने चाहा तो इसी तरह क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनसे ये ज़रूर फरमाएंगे वो सवाल जवाब जो वो चाहते थे और उस उनको ज़रूर फरमाएंगे कि मैं तुझसे राज़ी हुआ और अ मेरे बंदे तूने सच कहा फिर अब्दुल्ला बिन अमर बिन हराम शहीद हुए जो कि जाबिर बिन अब्दुल्लह के वालिद थे और आ, कहते हैं कि मेरी पुप्पो जो हैं वो रोने लग गई तो मेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्यों रोती हो जब तक उनकी मैयत पड़ी रही है फरिश्तों ने उस पर अपने परों का साया किए रखा है हती कि उन्हें तदफीन के लिए उठा लिया गया है और ये मुमानियत रोने की नहीं थी बल्कि ये मुमानियत तसली देने की और तशफ़ी की आ, आ, बात थी फिर इसी तरह से जाबिर रजी तन फरमाते हैं कि एक रोज़ रसोल्ला सल्ला वसलम ने मुझे देख कर दरियाफ्त फरमाया कि जाबिर क्या है मैं तुम्हें हमेशा ऐसे टूटा दिल लिए और उदास पाता हूँ तो मैंने अर्ज की कि यह रसोल्ला मेरे बाप उस गज़वा में शहीद हुए और आलो और कर्ज का बार छोड़ गए तो रसूल अल्लाह सल वसलम ने फ़रमाया कि क्या मैं तुम्हें खुशखबरी ना दूँ कि अल्लाह तला ने तुम्हारे वालद से किस अंदाज़ से मुलाकात की मैंने अर्सकी के अल्लाह के रसूल ज़रूर बताइए तो आपने फ़रमाया ए जाबिर क्या तू जानता है कि अल्लाजा वजल ने तेरे बाप को ज़िंदा फरमाया और उससे कहा कि तुम्हारी कोई तमन्ना हो तो मेरे सामने बयान करो तब उसने अर्सकी के अल्लाह मुझे दुनिया में भेज दे ताकि मैं दोबारा तेरे रास्ते में जहाद करूँ और शहीद कर दिया जाऊँ तो अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं मैंने तो फ़ैसला कर रखा है कि लोग दुनिया में दोबारा नहीं भेजे जाएंगे और फिर इनकी जो ख़ुशखबरी है इनकी अच्छी हालत की अल्लाह सुबहान ने क़ुरान में आले इमरान में नाजिल फ़रमा दी कि उन लोगों के लिए जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए गए हैं उनको मुर्दा ना समझो बल्कि वो ज़िंदा हैं और अपने रब के यहाँ रिस्क पा रहे हैं ये आले इमरान की आयत नंबर वन सिक्सटी नाइन है फिर इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला फरमायाल्लासार को जजाय खैर दे खास तौर पर इनमें से अब्दुल्ला बिन अमर बिन हराम यानी ये जो जाबिर बिन अब के वालिद हैं और सात बिन उबादा रदीमा को फिर अमर बिन जमोह जो बड़े ही एक यूनिक सहाबी जो लंगड़े थे इनका जिक्र पीछे गुजर चुका है ये भी शहीद हुए इनके चार बेटे थे जो हर गजबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते थे वो उनको मना करते थे इन्होंने आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत चाही और लंगड़ेपन के साथ ही इन्होंने कहा कि मैं जन्नत की ज़मीन में दाखिल होऊंगा वहां पे मैं चलूंगा तो फिर उन्होंने शहादत की दुआ भी की थी तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमाई और वो भी इस जंग में शहीद हुए सहीदना अमिर बिन जमू फिर कुछ लोग जो थे वो ये चाहते थे कि वो अपने जैनि उनको भी समझ नहीं थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हुक्म नहीं आया था कि अपने शहदा को मदीना ले जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना ले जाने से मना कर दिया जो लोग उठा कर ले जा रहे थे उनको भी फरमाया कि अपने मकतुल्न को उहद को उहद वापस ले जाओ और वहीं दफन करो जहां वो शहीद हुए हैं फिर एक और इंटरेस्टिंग सहाबी उसैरम उनकी शहादत ये मुसलमान ही ओहद की सुबह हुए हैं और इनको ये कहीं गए हुए थे ये वापस आए इन्होंने पूछा फलां किधर है लोगों ने बताया ओहद गया हुआ है फलां किधर है वो भी पता चला ओहद गया हुआ है तो अल्लाह ताला ने इनका सीना इस्लाम के लिए उस वक्त खोला एक भी नमाज पढ़े बगैर ये शहीद हुए एक यहूदी भी शरीक हुआ अजब उहद में इसका नाम था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पहचान चुका था लेकिन अपने दीन के साथ इतना कंफर्टेबल था कि मुसलमान नहीं हो रहा था और उहद के दिन जब आप निकले हैं तो हफ्ते का दिन था और इसने यहूद को भी कहा कि तुम लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद करने का वादा किया हुआ है ट्रीटी साइन की हुई है और तो कहने लगे कि नहीं आज तो सब्त का दिन है तो मरिक ने कहा कि इस मामले में हफ्ते की पाबंदी करना लाजिम नहीं है और ख़ुद वो चला गया और अपनी कौम को वसीयत की कि अगर मैं आज कत्ल हो गया तो मेरा सारा माल मोहम्मद अलैहि वसल्लम के हवाले कर देना मेरा माल उन्हीं के लिए है वो जहाँ चाहेंगे उसे खर्च करेंगे और ये ताकीद करके वो मैदान उहद पहुंच गया और वहाँ पर जाकर वो कत्ल हो गया और नबी अलैहि वसल्लम ने फरमाएरी़ो ख यहूद कि मुैरी़ यहूदियों में सबसे बेहतर थे फिर इसी तरह से एक मुनाफिक था नामी जो कि बहुत बहादुर था वो भी गया और जाके तो उसने बहुत बहादुरी के जब इतने जोहर दिखाए तो कुछ साहबा ने कहा कि तुमने तो जन्नत ला, लाजिम कर ली है अपने ऊपर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर बताया कि रसुल्ला शख्स ने तो इतनी ज्यादा बहादुरी दिखाई है तो आपने फरमाया इन नहू मिनार वो आग वालों में से है तो एक सहाबी कहते हैं कि मैं बहुत हैरान हुआ और फिर मैंने कहा कि मैं इसका जरा पीछा करूं मैं देखूं कि ये क्या वजह है कि आपने फरमाया है इन नहू में वो कहते हैं कि मैं उसके पीछे चल पड़ा वो जहां ठहरता मैं भी ठहरता वो दौड़ के चलता मैं भी दौड़ता फिर ये हुआ कि वो कारनामे दिखाता लोगों को मारता वो खुद भी शदीद जख्मी हो गया और फिर उससे सब्र ना हो सका और उसने चाहा कि उसे मौत जल्दी आ जाए तो उसने अपनी तलवार ज़मीन में गाड़ दी और उसकी नोक सीने के सामने करके उस पर गिर पड़ा और इस तरह उसने अपने आप की जान ले ली तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो सहाबी हाज़िर हुए और आके शहादा कहने लगे कहने लगे मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो आपने फरमाया व मज़ाक का यानी कि आपको नई बात हो गई है दोबारा तुम्हें कहना पड़ गया है तो उन्होंने कहा कि जिस आदमी के मुतलेक आपने अभी फरमाया था कि वो जहन्नमियों में से है तो मुझे ज़रा तकलीफ़ हुई थी कि वो इतने कारनामे कर रहा है फिर मैंने जब उसको ये देखा फिर उस उन सहाबी ने सारी बात बताई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक इंसान ज़िंदगी भर जन्नत वालों के अमल करता है हालांकि वहले दो ज़ुख्म में से होता है अल्लाह बचाए ऐसे अंजाम से और एक आदमी बज़ाहिर जहन्नमियों वाला काम करता है हालांकि वह जन्नतियों में से होता है फिर आप देखें कि हमारा किसी को जज करना या हमें अपने आप को किसी दूसरे से बेहतर समझना कहाँ से हमें जायज़ है फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहदा की तदफीन और शहदा की खबरगिरी की तरफ तोज् फरमाई और आपने फ़रमाया कि इनके बदन से हथियार वगैरह उतार लो और उन्हें उनके खून आलूद कपड़ों ही में दफन कर दो और एक और रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार से फरमाया था जब उन्होंने कहा कि यार रसोल्ला हमारे बहुत सारे लोग शहीद और ज़ख्मी हुए हैं तो आपने फरमाया कब्रें खोदो उन्हें गहरा और कुशादा करो फिर दो दो और तीन तीन शहदा को एक ही कब्र में दफन कर दो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहदायहद के ऊपर खड़े होकर तो आपने फरमाया था कि मैं इन सब पर गवाह हूं जो भी अल्लाह ताला के रास्ते में जख्मी किया जाएगा अल्लाह ताला उसे क़यामत के रोज इस तरह उठाएगा कि उसके जख्म से खून बह रहा होगा उस खून का रंग तो खून जैसा ही होगा मगर खुशबू मुश्क जैसी होगी देखो जिसे कुरान ज्यादा याद था उसे दूसरों से पहले लहद में उतार दो तो सीदना जाबिर दीला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो दो शहदा को एक ही कपड़े में लपेटते और फिर दरियात फरमाते अयुम अक्सर अखजल कुरान इनमें से कुरान किसको ज्यादा याद था और जिसकी तरफ लोग इशारा करते तो आप उसको लहद में आगे करते और फिर फरमाते कयामत के दिन इन लोगों पर मैं गवाह हूँगा और रसोल्ला सल्ह वसलम ने इन शहदा को उनके बहते हुए खून के साथ ही दफन करवाया आपने ना नमाज जनाजा पढ़ाई और ना ही उनको गसल दिया और हमज़ा रदी को सईदना अबू बकर सिद्दीक उमर रदीलान्हों अली रदी लानों और ज़ुबैर रदीलानु ने कबर में उतारा था फिर रसोल्ला सल्ह वसम जब अपने असाब की तदफीन से फारि हुए तो अपने घोड़े पर सवार हो गए सात बिन मुआज़ रदीला ने आप अलैहि वसल्लम के घोड़े की लगाम थाम ली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मदीना रवाना हुए और एक सौ आठ मुसलमान जो हैं वो शहीद हुए एक गिनती के मुताबिक वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई हमना बिनते जहश जो कि आप अलैहि वसल्लम की भुपीजात भी थीं उनसे तो आपने उनको देखकर तो कहा या हमना एह तसीबी ए हमना अपनी मुसीबत पर सब्र कर और उसका अजर अपने रब से तलब कर तो हमना रदीलान्हा ने पूछा कि मन या अल्लाह समझ उनको आ गई कि किसी की मौत की खबर है शहादत की है कि कौन या अल्लाह तो आपने फरमाया कि खाल हमजा अब्दुल अब्दुलमतलब अपने मामू हमजा बिन अब्दुलमतलब की मौत पर उन्होंने तो पढ़ा तो और आपने फिर आपने दोबारा फरमाया तो वो तो फिर पूछने लगी मन या रसूल अल्लाह तो आपने उन फरमाया अखू की अब्दुल्लाई व इन्नाजुन पढ़ा फिर आपने तीसरी मरतबा उनके कहा एहत तो उन्होंने कहा मन या रसूल तो आपने फरमाया जऊ जो की मुस्बन अपने शोहर मुसबिन की शहादत पर तो हम ना बे चीख उठी और बहुत रोने लगें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि औरत के नज़दीक जो शौहर का मकाम होता है वो किसी और का नहीं होता फिर मदीना की तरफ रवाना हुए आप और बनु अब्दुल अशहल जो सात बिन मवाज रदी का कबीला था उनके घरानों में पहुँचे वहाँ पर लोग अपने मकदूलिन पर रो रहे थे और आपको अपने चाचा हमजा बहुत याद आए तो आप रो पड़े और आपने फरमाया हमज़त ला बवा किया हमजा के लिए तो कोई रोने वालिया ही नहीं है फिर आ, आ, ये जो अः बास का ये कहना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हाल है जब वो अपने मकतुल्न की खबर सुनती तो कहती सारी बातें छोड़ो और मुझे ये बताओ कि रसोल्ला का क्या हाल है तो उनको जब यह पता चलता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ैरियत से हैं तो उन्होंने फरमाया कि ज़रा मुझे दीदार करा दो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो फिर जब उनको देखा तो फरमाने लगी ए अल्लाह के रसूल अगर आप सलामत हैं तो फिर हर मुसीबत हीच है यह वाक़ भी मुख्तलिफ़ ख़ के हवाले से बारहा सीरत की किताबों में नकल हुआ है और यहाँ पर भी बनु दीनार की एक ख़ातून के हवाले से यह वाक़ नक़ल हुआ है फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आ, सात बिन मुआज की वालिदा को खुशखबरियाँ भी सुनाई हैं और दुआएं भी दी हैं सात बिन मुआज ने जैसा मैंने आपको बताया कि लगाम थाम रखी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े की तो आगे से उनकी वालिदा सैदा कबशा बिन तरफ़े उनका बेटा अमर बिन मुआज अभी अभी शहीद हुआ आ, उहद में तो वो बेकरार होकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ़ बढ़ीं तो सदरदी लानो कहने लगे यार रसोल्ला ये मेरी अम्मी हैं ये मेरी वालदा हैं तो रसोल्ला सल्ह् वसम ने फरमाया मर हबम बिहा खुश आमदे दिन के लिए और अज़रा अखलाक उनके इस्तबाल के लिए आप सलील वसम रुक गए अच्छा अब यहाँ पर ओहद से वापसी पर आप देखिए किस कदर सकीनत है किस कदर वक़ार है कोई पैनिक नहीं है हो गया जो होना था और ख़वात को पुरसे दे रहे हैं ख़वातीन को हमना बिनते जहश को ख़बर दे रहे हैं इसी तरह से यहाँ पर उम्मे साद को तसलियाँ दे रहे हैं तो वो कहने लगी इन ख़ातून ने भी यही कहा मैंने आपको खैरियत से देख लिया है तो अब हर मुसीबत हीच है आपके बाद और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आपको खुशखबरी हो कि उनके मकतुल्न जन्नत में सब एक जगह इकट्ठे हैं और इन शहदा ने अपने तमाम रिश्तेदारों की शफात की है सुबह अल्लाह तो वो कहने लगी कि अल्लाह के रसूल हम राज़ी हो गए अब खुशखबरी के बाद भला कौन इन पर आंसू बहाएगा और फिर इसके बाद उम्मीह ने फिर अर्ज़ की कि अल्लाह के रसूल जो पीछे रह गए हैं उनके लिए भी दुआ कीजिए तो आप अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया ए अल्लाह इन सब के दिलों का गम दूर फरमा दे उन्हें इनकी मुसीबत का अच्छा बदला दे और इनके पसमानदगान को उनका अच्छा वारिस बना दे और उसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सात रदीलानु से फ़रमाया कि मेरी सवारी की लगाम छोड़ दो उन्होंने लगाम छोड़ दी और फिर लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चलने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि ए अबू अम्र तुम्हारे कबीले के बहुत से लोग ज़ख्मी हैं और इनमें से हर जख्मी जब क्यामत के दिन आएगा उसके ज़ख्म से इसी तरह जोश से खून बह रहा होगा उसकी रंगत खून जैसी होगी लेकिन उसकी खुशबू कस्तूरी जैसी होगी जो शख्स जख्मी है वो अपने घर रहे अपने जख्म का इलाज करे मेरे साथ मेरे घर तक कोई ना आए मेरी खसूसी ताक़ीद है कि तमाम जख्मी अपने अपने घर चले जाएं। आप सोचिए कि किस कदर एक सुकून तारी कर दिया होगा आप वसल्लम के इस हुक्म ने वरना सब लोग आपके पीछे पीछे वहाँ आ जाते कोई जख्मी कोई रो रहा कोई गमजदा तो कितना एक मुश्किल हो जाता उस सारी को हैंडल करना बहरहाल सब लोग आपके हुक्म के मुताबिक रुक गए जख्मी जो हैं उन्होंने मरहम पट्टी में रात गुजारी साध रदीलान नबी अलैहि वसल्लम के घर तक आपके साथ गए आपको सहारा देकर घोड़े से उतारा और क्योंकि आप खुद शदीद जख्मी थे और आप पर बड़ी नकाहत तारी थी तो रसोल्ला सल्हम ने घोड़े से उतरने के बाद सात बिन उबादा और सात बिन मवाज़ रदी अल्लामा के कंधों का सहारा लिया और घर तशरीफ़ ले गए और घर जाकर आप सलील वसम ने अपनी तलवार सद फ़ातिमा को दी और फरमाया कि इस तलवार से खून के धब्बे धो डालो अल्लाह की कसम आज इसने अपना हक अदा कर दिया है तो इसके बाद सयदना अली ने भी अपनी तलवार सद फ़ातिमा को दी और उन्होंने भी यही अल्फाज कहे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अली के अल्फाज सुने तो फरमाया अली अगर तुमने दुश्मन से किताल का हक अदा किया है तो तुम्हारे साथ सहल बिन हनीफ और अबू दुजाना ने भी किताल का हक अदा किया है फिर वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला बनू अब्दुल अशहल के मोहल्ले में बात फरमाई थी ना कि हमजा पर रोने वाला कोई नहीं तो लोगों ने सहबा कराम ने यह समझा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते हैं कि कोई खुवात आए और हमज़ा रदील तनों पर रोएं तो उन्होंने सात रदीलान्हों ने और इसी तरह से कुछ और साहबा का नाम भी आता है कि उन्होंने अपने अपने कबीले की और घराने की खुतिन को भेजा और वो मगरब और के दरमियान हमजा रदीलाहों पर रोने लगें और उस, उस वक्त सहाबा कर राम कुछ जो हैं वो मस्जिद में भी आग रोशन करके जख्मों का इलाज कर रहे थे अपने जख्मों का तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा की नमाज़ जब बिलाल ने अजान दी तो काफ़ी वक्त गुजर गया और रसलील्ला वसम बाई यहाँ तक कि रात का तीसरा गुजर गया तो फिर आप सल्ह वसलम से अर्ज़ किया गया कि या यार रसोल्ला नमाज तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हुए ऐसा मालूम होता है कि नकाहत से आप सो गए थे और मस्जिद तशरीफ़ लाए तो फिर जब मस्जिद में आप आए तो आपकी चाल से कमजोरी साफ जाहिर हो रही थी तो आपने औरतों के रोने की आवाज़ सुनी तो फरमाया मा हाज ये क्या है तो अर्ज की गए कि अल्लाह के रसूल अनसार की खवातीन है और सयदना हमजा पर रो रही हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फरमायादी अल्लाह कुन्ना व अन अलादि कुन्ना अल्लाह ताला तुमसे और तुम्हारी औलाद से राजी हो फिर हुक्म दिया कि इन खुतिन को अपने घर वापस भेज दो और एक और जगह पर आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि यानी मेरा यह मतलब नहीं था नोहा करने से भी फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया फिर आप वसल्लम की हिफाजत के लिए पहरे का अहतमाम कियासार ने जब आपने ईशा की नमाज पढ़ा दी और अपने घर तशरीफ ले गए तो सहाबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के रास्ते तक सफ़े बना ली और आप अकेले चल रहे थे यहाँ तक कि आप अपने घर तशरीफ़ ले गए और सारी रात औस और खजरज के जो स्टॉल वॉट्स थे जिन्होंने जो बड़े सरदार थे सरकरदा अफराद उन्होंने अपने जो रात है वो वहीं मस्जिद नब्वी में नबी अलैहि वसल्लम के घर के दरवाज़े पर पहरा देते हुए गुजारी कि कहीं कुरश ना आद धमकें और मुसलमानों का जो ये गम था अब इस पर अब्दुल्ला बिन नबे तो बड़ा खुश था मुनाफिकीन और उसका अपना बेटा अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला जो कि एक बहुत ज़बरदस्त मुसलमान थे अकीदा तो वो शदीद ज़ख्मी हुए थे और उनके घर वाले रात भर आग जलाकर उनका इलाज करते रहे तो अब्दुल्ला बिन नबे अपने बेटे अब्दुल्ला से मुखातब होकर कहने लगा कि तुमने उनके साथ जंग में शिरकत करके कोई अकलमंदी नहीं की मुझे तो लड़ाई का अंजाम पहले ही नज़र आ रहा था तो उन्होंने नादान बच्चों की बात मान ली और मेरा मशवरा मुस्तरद कर दिया तो अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला अब्दुल्ला जो हैं उन्होंने अपने बाप से कहा कि अल्लाह तला ने अपने रसूल और मुसलमानों के लिए जो कुछ भी किया वो बहुत बेहतर है और फिर इसी तरह से यहूदियों ने भी इस तरह के प्रोपीगेंडे शुरू कर दिए के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ बादशाह ही चाहते हैं वरना अगर ये नबी होते तो किसी नबी के साथ तो ऐसा सलूक कभी हुआ ही नहीं कि वो जख्मी हो गया हो और उसके साथ ही कत्ल कर दिए गए हों तो आ, फिर ये भी कहने लगे कि अगर जो कत्ल हुए हैं वो हमारे पास रहते मदीना के अंदर ही रहते तो कत्ल भी ना होते तो ये पेनफुल बातें जो हैं ये भी इंसान को एक मजीद आ, तंग करती हैं और इसी जो यही हालात थे कि जिस पर अज़ब़ा उहद एंड हुआ। बारक़ल्लाहु फ़ी कुम, सुबहानक अल्लाहुम्मा बबिहम्दिका शदु अल्लाह इला हा इला अंता अस्ताफ़िरुका बहतुबैलाइक अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाही वा बरकातुह.